व्हाट्स अप गाइस, आज हम देखेंगे हाउ केजरीवाल बिकेम द न्यू राहुल गांधी और स्वाति मलिवाल केस के ऊपर भी बातचीत होगी। तो दशाम शर्मा शो चैनल से वीडियो होगी, काफी इंटरेस्टिंग। चैनल बने तो प्लीज सब्सक्राइब और भैया वोट डालो अगर अभी तक नहीं डाला है। जब भी वोटिंग आपके वहां होती है, 1 2 3 गो। इंडियन पॉलिटिक्स में एक समय पर अरविंद केजरीवाल आशा की किरण की तरह, उनकी चहेती मीडिया भी करप्शन के खिलाफ लड़ाई में उनके साथ जुड़ गई थी। इस देश का आम आदमी भ्रष्टाचार नहीं करना चाहता, आम आदमी ईमानदारी की जिंदगी जीना चाहता है, लेकिन आज व्यवस्था ऐसी हो गई है कि बिना रिश्वत दिए काम ही नहीं चलता। पूरे ढांचे को उल्टा करना पड़ेगा। नेता और अफसर आगे से सीधे जनता को रिपोर्ट करना चालू करें, ऐसे ढांचे की हम परिकल्पना करते हैं। काम करने के लिए सब तैयार हो जाए। इन्होंने देश में एक क्लीन पॉलिटिक्स का रेवोल्यूशन प्रॉमिस किया था, लेकिन ये आशा की किरण अनफॉर्चुनेटली बिपाशा की मदहोशी बन गई, यानी बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। मुझे यहाँ से लेके जाओ। ये भाई साहब बच्चों की कसम खाया करते थे कि कभी भी करप्ट पार्टीज के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। स्पेशली टाइगर विद द कांग्रेस पार्टी। संदीप दीक्षित से मेरा दूर दूर का कोई लेना देना नहीं है, और बच्चों की कसम है ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से। लेकिन सत्ता का चक्कर बाबू भाई, सत्ता का चक्कर आज उन्हीं पार्टीज के साथ हाथ जोड़कर बैठे भाई साहब। हम कांग्रेस को मना मना के थक गए। गठबंधन कर लो उनकी समझ में नहीं आ रहा। आपसे पूछना चाहता हूँ, होना चाहिए आज अगर कांग्रेस का गठबंधन हो जाए बीजेपी सातों सीटें हार जाएगी। एंटी करप्शन क्रूसेडर खुद बड़े करप्शन केस में अरेस्ट हो चुके हैं। दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल हैज बीन अरेस्टेड बाय द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ईडी की गिरफ्त में अरविंद केजरीवाल। ईडी ने फाइनली अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया। महिलाओं को दिल्ली में सेफ्टी प्रोवाइड करने के मुद्दे से पावर में आए थे, लेकिन आज उनके खुद के घर में लड़कियों के साथ बदसलूकी हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर 13 मई को हुए मारपीट केस में पीड़ित आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मलिवाल की मेडिकल रिपोर्ट आ गई, जिसमें स्वाति मलिवाल के शरीर पर चोट के निशान पाए गए। सर्फ एक्सेल कहता है दाग अच्छे हैं, लेकिन इतने भी दाग अच्छे नहीं। बात सही है, बात तो सही है। एक कहावत है ना, Eventually, you become what you hate. तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल और उनके आम आदमी पार्टी की स्टोरी की, जो 10 साल के अंदर पॉलिटिक्स के सबसे बड़े हीरो से आज डर्टी पॉलिटिक्स के पोस्टर बॉय बन गए। किस तरह से उन्होंने हर एक मकाम पर अपने वोटर्स को धोखा दिया है, और उनकी काया पलट ने किस तरह उनके दरबारी मीडिया को भी पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। हेलो और शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेक्युलरिज्म का आपका सीईओ शाम शर्मा, और आप सबको एक सेकंड। देखिए, आम आदमी पार्टी जब पावर में आई थी तो उनका यूएसपी यानी अल्टीमेट सेलिंग पॉइंट थी उनकी सिंप्लिसिटी, उनकी सादगी। वो कहते थे कि वो आम लोगों की पार्टी है, जो आम लोगों ने क्रिएट की थी, जिसको आम लोगों ने ज्वाइन किया था, और जो आम लोगों को रिप्रेजेंट करती थी। आम लहर भी थी के मुताबिक ये एलीट लाल बत्ती पॉलिटिशियंस हैं, उनसे नफरत करते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस आम लोगों की पार्टी में प्रॉब्लम्स शुरुआत से ही दिखने लगी। सबसे पहले कि ये आम आदमी पार्टी नहीं है, बल्कि वीवीआईपी इसकी पार्टी बन रही है। एक समय पर ये भाई साहब सिर्फ एक वैगन आर में घूमा करते थे और कहते थे कि लाल बत्ती की जो गाड़ियां हैं वो तो डर्टी पॉलिटिशियंस चलाते हैं, ये सब हमें नहीं करना। कोई लाल बत्ती की गाड़ी नहीं होनी चाहिए उसके पास, कोई बड़ा बंगला नहीं होना चाहिए उसके पास, वो एक कमरे ये फ्रांस वाली पॉलिसी निकाल रहे थे। कोई सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए इंडिया में, जनता के लिए होनी चाहिए, इन नेताओं के लिए नहीं होनी चाहिए। उसका जितना कोटा है वो सब कैंसिल होना चाहिए, MPML फंड नहीं होना चाहिए। और आज ये हालत है कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के एक रिस्पांस के तहत ये पता चला कि दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट ने 2014 से लेकर अब तक दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के लिए गाड़ियां खरीदने में 1.5 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, और उनके वफादार सेकंड इन कमांड डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया पर लगभग 45 लाख रुपए खर्च हुए हैं। 2022 में केजरीवाल जी को 36 लाख के MG ग्लॉस्टर में देखा गया, और उससे पहले टोयोटा इनोवा और महिंद्रा अल्टुरस G4 जो कि 32 लाख से ज्यादा खर्चे की हैं। उसके बाद हाल ही में खबर ये आई कि आम इंसान आम आदमी केजरीवाल जी ने अपने ऑफिशियल रेजिडेंस को रेनोवेट करने के लिए 45 करोड़ रुपए खर्च किए। समझाओ इसे
चड्ढा लगा दिया। इंटीरियर डेकोरेशन पे 11.5 करोड़, स्टोन और मार्बल फ्लोरिंग पे 6 करोड़, इंटीरियर कंसल्टेंसी पे 1 करोड़, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स पर 2.5 करोड़, फायर फाइटिंग सिस्टम पर ऑलमोस्ट 3 करोड़, वार्डरोब और एक्सेसरीज पर 1.5 करोड़, किचन अप्लायंसेस पर 1 करोड़, सिर्फ कर्टन्स पर 1 करोड़ खर्चा किया गया था एलिजिबली। यार इस तरह का पैसा इंडिया के आम आदमी को तो छोड़ो, सऊदी अरेबिया के आम आदमी के पास भी नहीं है वल्लाह। मोदी जी के पास नहीं है खुद का इतना। इसके ऊपर से आम आदमी पार्टी ने 2021 से सिर्फ 2022 तक ऑलमोस्ट 500 करोड़ रुपए खर्चे किए सिर्फ एडवर्टाइजमेंट्स पर, जिसमें से 125 करोड़ सिर्फ मार्च के महीने में फूंक दिए गए, जबकि 2012-2013 में ये अमाउंट सिर्फ 11 करोड़ था। उसके बाद समय आता है केजरीवाल जी के यू टर्न का। ये इंसान जैसा कि मैंने कहा, बच्चों की कसम खाए करते थे कि कभी करप्ट पार्टीज के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, और बच्चों की कसम है और हैप्पी बर्थडे कांग्रेस और जब गठबंधन हुआ था ना, आज अगर कांग्रेस का गठबंधन हो जाए बीजेपी 700 सीटें हार जाएगी। हारेगी कि नहीं हारेगी दोस्तों, उनको मना मना के थक गए। मुझे नहीं समझ आता कि उनके मन में क्या है। आज यही इंसान है जो करप्शन से इतनी नफरत करते हैं, जो लालू यादव जैसे इंसान जो कि भारत के सबसे करप्ट पॉलिटिशियंस में से एक है, उनके साथ स्टेज पर हाथ पकड़ के तो ऐसे खड़े जैसे गांधी जी के साथ खड़े हो। तो ये था आम आदमी को आम आदमी पार्टी का एक और बड़ा धोखा। फिर आता है एक और धोखा, जब ये एंटी करप्शन पार्टी खुद स्कैम्स में फंस जाती है। ये स्कैम्स दिखाते हैं कि आम आदमी पार्टी को और खासकर अरविंद केजरीवाल को एंटी करप्शन के उसूलों से प्यार नहीं था, बल्कि पावर से प्यार था, कुर्सी से प्यार था। जो लोग इनको थोड़ा एडमायर भी करते हैं, वो लोग भी इनकी इस टेंडेंसी को मानते हैं। There are these RTI activists. This is before he even got into politics. Okay. He was an activist then. He was an activist. He was talking. And you know, there was another person called Shekhar. They're both sitting on the stage, sharing a stage. Shekhar यहाँ पे था, केजरीवाल यहाँ पे था। शेखर या किसी ने सवाल किया, उसने जवाब देते समय उसके बाद क्राउड का रिएक्शन आया, क्लैपिंग आया, तो उसने ऐसे करके दिखाया। तो एक मोमेंट में लग गया दिस मैन प्लेस टू द क्राउड। पहला इशू 2015 से शुरू हो गया था, जब आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक्स लॉन्च किए थे। ये क्लिनिक्स मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस को उनके डोरस्टेप्स पर अफोर्डेबल प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करने के लिए बनाए गए थे, लेकिन इनमें भी एलिगेशन शुरू हो गया था कि यहाँ पर फेक लैब टेस्ट किए जा रहे हैं और गोस्ट पेशेंट्स के नाम पर करप्शन हो रहा है। कुछ मोहल्ला क्लिनिक्स पर तो लाखों फेक पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी टेस्ट करने के ऑर्डर्स देने का आरोप लगा है। एलिगेशन के अनुसार इन क्लिनिक्स में हंड्रेड ऑफ करोड़ की इरेगुलरिटीज हुई है। लगभग 63% नंबर्स या तो इनवैलिड निकले या फिर ऐसे लोगों के निकले जो कभी क्लिनिक गए ही नहीं। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल्स, टू प्राइवेट लैब्स इन दिल्ली रिपोर्टेडली कंडक्टेड क्लोज टू 22 लाख टेस्ट from February to December 2023, out of which 65,000 were found to be fake. चड्ढा समझाओ। क्या बात है भैया? समझाओ। एक रिपोर्ट के मुताबिक 3,000 से ज्यादा पेशेंट्स के रिकॉर्ड्स में सेम मोबाइल नंबर यानी 9999999999 ये तो एक है। और अगर नेटफ्लिक्स वालों ने इस स्टोरी को खरीद लिया है तो एमएक्स प्लेयर को मैं बोलना चाहता हूं कि घबराइए मत, अभी और भी स्कैम है। नवंबर 2021 में दिल्ली सरकार ने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में एक नई एक्साइज पॉलिसी इंट्रोड्यूस की, जो अल्कोहल सेल्स को सिटी में मॉडर्नाइज करने का एम रखती थी। इसे दिल्ली एक्साइज पॉलिसी बोला गया था। इस बिल का मकसद था लिकर के सेल्स को प्राइवेटाइज करना और गवर्नमेंट का इसमें इन्वॉल्वमेंट खत्म करना। अब देखिए, बात सुनने में तो बहुत अच्छी, लेकिन एक साल से भी कम समय के बाद जुलाई 2022 में दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना को पॉलिसी में वायलेशंस की रिपोर्ट दी, जिस पर सीबीआई प्रोब की रिकमेंडेशन दी गई। रिपोर्ट में अलेज किया गया कि इस पॉलिसी से एक्सचेकर को लगभग 600 करोड़ का फाइनेंशियल लॉस हुआ है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने भी अलेज किया कि 100 करोड़ से ज्यादा के किकबैक्स अलग अलग लिकर कंपनी से आम आदमी पार्टी के लीडर्स को मिला है। ईडी ने यह भी कहा कि केजरीवाल खुद इस केस में इन्वॉल्व की अक्यूज्ड इंडिविजुअल से मिलने को कहते थे और उन्हें केस में इन्वॉल्व दूसरे लोगों के साथ कोलैबोरेट करने को भी एनकरेज करते थे। इसी केस में केजरीवाल जी जेल भी गए थे। इससे पहले और भी स्कैम के एलिगेशंस थे। 2017 में दिल्ली जल बोर्ड ने एक टेंडर रिलीज किया, जिसमें एक प्राइवेट फर्म को अलेजेडली इम्प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। जुलाई 2022 में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने दिल्ली जल बोर्ड और एनबीसीसी के ऑफिशियल्स के खिलाफ एक करप्शन केस शुरू किया, उन पे फेवरेटिज्म का आरोप लगाया और कहा कि उन्होंने एक इनएलिजिबल प्राइवेट कंपनी को 38 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया। ईडी ने भी इस मामले में करप्शन के एलिगेशंस लगाए हैं। इनके एजुकेशन सिस्टम में भी इनके ऊपर स्कैम के
एलिगेशन लगे हैं। डायरेक्टोरेट ऑफ विजिलेंस ने 1300 करोड़ के स्कैम का एलिगेशन लगाया था और उसके बाद एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन की रिकमेंडेशन दी थी। आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट पर आरोप है जो कि 193 गवर्नमेंट स्कूल्स में 2400 क्लासरूम्स के कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। रिपोर्ट में बहुत सारी एलिगेशन है, जैसे कि 5 स्कूल में ऑलमोस्ट 43 करोड़ की अमाउंट के लिए वर्क्स का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया बिना किसी ओपन टेंडर के। विजिलेंस कमीशन ने कहा कि टोटल प्रोजेक्ट का कॉस्ट ऑलमोस्ट 1000 करोड़ था और सारे टेंडर्स का टोटल वैल्यू 860 करोड़ था, लेकिन एक्चुअल एक्सपेंडिचर बढ़कर 1300 करोड़ हो गया था। बेसिकली बात यह है कि इनके एंटी करप्शन का प्रॉमिस वैसे ही फेल हो गया जैसे आपके गोवा के एम्बिशियस प्लान्स हर साल फेल हो जाते हैं। गोवा जाने का यार, सिर्फ 10 साल से भी कम में इतने सारे अलेजेड स्कैम्स इज ऑनेस्टली अ वेरी इंप्रेसिव स्ट्राइक रेट। वीरेंद्र सहवाग भी इनको देखकर सोच रहे होंगे कि यार ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है, थोड़ा आप भी डिफेंड करना तो सीख लो। तो आप सोचिए कि एक एंटी करप्शन पार्टी इतने सारे स्कैम्स में एलिजिबली इन्वॉल्व्ड है, ये तो इस लेवल का धोखा है पब्लिक के साथ कि इमेजिन कीजिए कि गब्बर को जेल में ठूसने के बाद गांव का सबसे बड़ा डकैत ठाकुर खुद ही बन जाए। वाह भैया। फिर विमेन सेफ्टी पर पब्लिक को किस तरह से धोखा दिया गया है उसकी बात करते हैं। आम आदमी पार्टी के दरबारी यूट्यूबर्स ने क्लेम किया था कि जब केजरीवाल जी को बेल दी गई थी कैंपेन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो एक तूफान आने वाला है। अब देखिए उनकी भविष्यवाणी वैसे सही निकली, तूफान आया है, लेकिन बीजेपी के लिए नहीं, आम आदमी पार्टी की राज्यसभा की एमपी स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया कि सीएम के रेजिडेंस में उनके घर में उनके साथ मारपीट और हाथापाई की गई है। 13 मई की मॉर्निंग को स्वाति मालीवाल, जो दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन की फॉर्मर चीफ हैं, उन्होंने सुबह पुलिस को कॉल लगाया कि सीएम के घर पर सीएम के पर्सनल असिस्टेंट विभव कुमार ने उनके साथ बहुत मारपीट की है, जिसकी पुष्टि खुद संजय सिंह ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थी। कल सुबह अरविंद केजरीवाल जी से मिलने स्वाति मालीवाल जी उनके आवास पर पहुंची थी। ड्राइंग रूम में केजरीवाल जी का इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पर पहुंचे और उनके साथ अभद्रता और बदतमीजी की। स्वाति मालीवाल ने इसके बाद सीएम के पीए के खिलाफ 308, 323, 341, 358B, 506, 509 के तहत एफआईआर दर्ज करवाई, जिस एफआईआर में उन्होंने डिटेल किया कि वो केजरीवाल जी से किसी जरूरी मामले पर बात करने गई हुई थी, लेकिन उनके पीए विभव कुमार ने उनके सीएम रेजिडेंस पर पहुंचते ही उनको धमकाना शुरू कर दिया और उसके बाद उनको काफी एक्चुअली बुरी तरह से पीटा और उनके कपड़े भी खींचे। इसके बाद केजरीवाल जी के पीए को पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया है। पुलिस ने भी इस बात की पुष्टि की है कि स्वाति मालीवाल के ऊपर एक्चुअली काफी सीरियस अटैक हुआ है। कुछ दिनों के बाद स्वाति मालीवाल की फोरेंसिक रिपोर्ट भी आती है, जिससे ये बात साबित हो जाती है कि स्वाति मालीवाल को एक्चुअली काफी सीरियस इंजरीज हुई हैं। और सबसे अनफॉर्चुनेट बात ये है कि विमेन सेफ्टी के चैंपियन अरविंद केजरीवाल इस केस को पूरी तरह से इग्नोर कर रहे हैं। इग्नोरेंस तो छोड़िए यार, इनके पार्टी के मेंबर जैसे आतिशी मार लेना सामने से आके कह रहे हैं सारे प्रूफ के बावजूद कि स्वाति मालीवाल झूठ बोल रही हैं, इनके साथ कुछ भी नहीं हुआ है। उसके ऊपर से विभव कुमार को बचाने के लिए अलेजेडली एविडेंस को भी डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि केजरीवाल जी के घर में लिविंग रूम की जो सीसीटीवी फुटेज है, वो स्वाति मालीवाल जब उनके घर पे थी उस समय की सारी सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी गई। और याद कीजिए ऐसे एलिगेशन केजरीवाल जी के साथ पहले भी लग चुके हैं कि लिकर स्कैम केस की एविडेंस को मिटाने के लिए भी अलेजेडली 170 से ज्यादा फोन्स को आम आदमी पार्टी ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। और जिस समय पर स्वाति मालीवाल ने पुलिस में कंप्लेंट की थी विभव कुमार के बारे में, उस समय पर विभव कुमार के खिलाफ एक्शन लेने के बजाय विभव कुमार से अपने आप को डिस्टेंस करने के बजाय अरविंद केजरीवाल खुल्लम खुल्ला विभव कुमार से मिल रहे थे। जब केजरीवाल से पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वाति मालीवाल के केस के बारे में, तो वो तो बिल्कुल चुप ही बैठे, ऐसा लग रहा था कि इनको सांप सूंघ गया। ये वो केजरीवाल जिनके ऊपर इतने बड़े स्कैम का एलिगेशन लगा है, लेकिन वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। वो इस स्वाति मालीवाल वाले केस में इतना चुप क्यों बैठे हुए हैं? क्या दाल में सही में कुछ काला है? केजरीवाल जी के साथ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव बैठे हुए थे, जिन्होंने इतनी डिस्गस्टिंग बात कही कि भाई स्वाति मालीवाल का मुद्दा इम्पोर्टेंट नहीं, उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं। ये देश चलाएंगे। अखिलेश यादव के बारे में क्या ही बोले, इनके पिताजी कहते थे जब लड़कियों के साथ गलत सलत काम होते थे कि भाई लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो ही जाती हैं, बॉयज विल बी बॉयज, लेकिन केजरीवाल जी को तो कुछ कहना चाहिए था ना। इससे पहले
पहले भी अरविंद केजरीवाल जी के एक पार्टी मेंबर के ऊपर असॉल्ट का एलिगेशन लगा है और केजरीवाल जी की गवर्नमेंट के ऊपर ये एलिगेशन लगा है कि उन्होंने इस पूरे मुद्दे को दबाने की कोशिश की थी। केजरीवाल गवर्नमेंट के वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल प्रेमोदय खाखा के ऊपर असॉल्ट का केस लगा था और मीडिया ने आरोप लगाया था कि केजरीवाल गवर्नमेंट ने इस मुद्दे को दबाने की कोशिश की है। डीसीडब्ल्यू चीफ को विक्टिम से मिलने तक नहीं दिया गया था। डीसीडब्ल्यू बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट से गुहार लगा रही थी कि दिल्ली गवर्नमेंट जानबूझकर जांच में डिले करना चाहती है। भैया वीडियो गेम्स में स्पीड रनिंग चैलेंजेस होते हैं ना, हमारे केजरीवाल भाई साहब डर्टी पॉलिटिक्स को स्पीड रन कर रहे हैं इस समय पर। जो चीजें कुछ पार्टी 70 साल में अचीव करती हैं, वो ये भाई साहब सिर्फ 10 साल में कर चुके हैं। जब सारे चीजें ये स्पीड रन कर ही रहे हैं तो एंटी नेशनल एक्टिविटीज में कैसे पीछे रह सकते हैं। जीना मरना क्या, चलो ये काम भी करके देखते हैं। याद है जब केजरीवाल जी ने सबूत मांगा था सर्जिकल स्ट्राइक का। अरविंद केजरीवाल ने पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के फैसले पर पीएम को सलाम किया, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान को चुप कराने के लिए सबूत भी सार्वजनिक करने की बात कही। वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, बीबीसी, सीएनएन, सब जगह यही चल रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक्स नहीं हुए। चड्ढा समझाओ इसे। जैसे हर आईपीएल मैच में कैमरामैन किसी भी रैंडम लड़की को नेशनल क्रश बना देता है, ठीक उसी तरह से पाकिस्तान मीडिया में भी केजरीवाल इस वजह से नेशनल हीरो बन गए थे। इससे पहले याद कीजिए केजरीवाल जी ने बाटला हाउस एनकाउंटर को भी फेक बताया था। आम आदमी पार्टी ने मुस्लिमों का साथ पाने के लिए बाटला हाउस एनकाउंटर को फर्जी करा दिया। केजरीवाल ने एक बयान में एनकाउंटर में मारे गए मुसलमानों को बेगुनाह बताया। आपके ऊपर आरोप लगा है कि उनका और खालिस्तानियों का भी चोली दामन वाला रिश्ता है। आम आदमी पार्टी के ऊपर एलिगेशन लगा है कि उन्होंने खालिस्तानियों से फंडिंग ली है। आम आदमी पार्टी रिसीविंग ह्यूज फंड्स अमाउंटिंग टू 16 मिलियन यूएस डॉलर्स फ्रॉम एक्सट्रीमिस्ट खालिस्तानी ग्रुप्स फॉर फैसिलिटेटिंग द रिलीज ऑफ देवेंद्र पाल भुल्लर। इनफैक्ट केजरीवाल जी तो खालिस्तानियों के घर पे होम स्टे करके आ चुके हैं, जैसे कि खालिस्तानी का घर ना हो एयरबीएनबी हो। उसके ऊपर से इन्होंने राम मंदिर को भी, जो पूरे देश की आस्था का इतना बड़ा प्रतीक है, उसको भी इंसल्ट किया था। तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं। ये तो पॉलिटिक्स करा लो बस। किस तरह से राम मंदिर बनने के बाद इनकी कितनी बड़ी काया पलट हुई है, और छोटी मोटी काया पलट भी नहीं, सीधे सीनियर सिटीजन को राम मंदिर में फ्री ट्रैवल यात्रा की अनाउंसमेंट कर दी। उसके बाद देखिए आम आदमी पार्टी की जो दरबारी मीडिया है वो मोदी को डिक्टेटर कहती है, लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि इस दरबारी मीडिया के जो माई बाप है केजरीवाल, उनकी खुद की कैसी डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज हैं। चाहे शाजिया इल्मी हो, कुमार विश्वास हो, या बाकी कई ओरिजिनल लीडर्स हो आम आदमी पार्टी के, जिन्होंने धीरे धीरे पार्टी को छोड़ दिया, उन सब ने केजरीवाल के ऊपर आरोप लगाया है कि इस आदमी में डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज हैं, ये और किसी के साथ पावर शेयर नहीं करना चाहता, सारी पावर अपने पास रखना चाहता है। कुमार विश्वास ने तो यहां तक कहा था कि हम या तो पंजाब पर राज करेंगे या खालिस्तान पर राज करेंगे। आपके दरबारी यूट्यूबर्स बीजेपी पर इल्जाम लगाते हैं कि बीजेपी ने सारे इंस्टीट्यूशंस को, ईडी को, सीबीआई को, मीडिया सबको खरीद रखा हुआ है, लेकिन आप देखिए केजरीवाल खुद क्या करते हैं। इनके कंट्रोल में एक स्टेट की पुलिस है, वो है पंजाब पुलिस, और आप देखिए कि किस तरह से उन्होंने पंजाब पुलिस का इस्तेमाल किया है। पिछले साल फरवरी में पंजाब पुलिस ने रचित कौशिक नाम के एक यूट्यूबर को उत्तर प्रदेश जाकर अरेस्ट किया था और वहां से घसीट कर पंजाब ले गए थे, क्योंकि उसने आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक वीडियो बनाया था। पंजाब पुलिस जम्मू में जाकर एक यूट्यूबर को उठाकर पंजाब ले आई थी हड़काने के लिए, क्योंकि उन्होंने आम आदमी पार्टी के एक लीडर को क्रिटिसाइज किया था। दिल्ली के बीजेपी लीडर तजिंदर बग्गा को भी पंजाब पुलिस दिल्ली जाकर उनके घर से घसीट कर निकाल कर पंजाब ले जाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उन्होंने आम आदमी पार्टी की और अरविंद केजरीवाल की निंदा की थी। इन सब चीजों के बावजूद इंडिपेंडेंट मीडिया जो अरविंद केजरीवाल को पॉलिटिक्स का बलजिंदर सिंह मानते हैं, इन सारे दाग के बावजूद, इन सारे एलिगेशंस के बावजूद, अरविंद केजरीवाल जी को मीडिया का दुलारा माना जाता है। जब अरविंद केजरीवाल जी को लिकर स्कैम के केस में अरेस्ट किया गया था, तो केजरीवाल जी के अरेस्ट पे पूरी फॉरेन मीडिया हाय तौबा मचाने लग गई थी, जैसे उनके खुद के पिताजी निकल गए। चाहे अल जलजीरा हो, गार्डियन हो, बीबीसी हो, सीएनएन हो, इन सारी आउटलेट्स ने हेमंत सोरेन के अरेस्ट को तो ऐसे इग्नोर कर दिया जैसे रिजल्ट के दिन स्टूडेंट अपने रिश्तेदारों को इग्नोर करता है। मनीष सिसोदिया भी सोच रहे होंगे एम आई अ जोक टू यू। याद कीजिए कि केजरीवाल ऑन कैमरा पुण्य प्रसून वाजपेयी के साथ कैसी सेटिंग कर रहे थे। वो वाला थोड़ा थ्योरेटिकल है, कॉर्पोरेट वाले जो बोल रहे थे ना, अच्छा, काफी थ्योरेटिकल है, उसमें मैं नहीं जुड़ा। अच्छा, तो वो उसमें जितना मिडिल क्लास है वो एंटी हो जाएगा कि प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है, कंपनियों के खिलाफ, वो मैं इसलिए मैं नहीं आ रहा। ओके, उस डिबेट में मैं पढ़ नहीं रहा था जानबूझ, बाकी और ये जो हाशिए पर जो 80% समाज इसमें बोलेंगे
और जो हमारी इंडिपेंडेंट मीडिया है, जो कुछ दूसरी मीडिया को गोदी मीडिया बुलाती है, एक ऐसे यूट्यूबर जो मोदी के पीछे हाथ धोकर ऐसे पड़ गए हैं जैसे फिर हेरा फेरी में गोरिल्ला जॉनी लीवर के पीछे पड़ गया था। क्योंकि भाई पॉलिटिशियन से अकाउंटेबिलिटी लेनी कितनी जरूरी है। आपने कभी इन्हें केजरीवाल के स्कैम्स, केजरीवाल का झूठ, केजरीवाल का फरेब, केजरीवाल के यू टर्न्स पर हार्ड हिटिंग वीडियो बनाते हुए देखा, उल्टा ये लोग तो भैया इनके सारे स्कैम्स को जस्टिफाई करने में लगे हुए। रवीश जी तो इनकी भक्ति में इतना लीन हो रखे हैं इस समय भाई कि स्वाति मालीवाल के साथ जो असॉल्ट हुआ है उसको पूरा यूजलेस केस ही बता रहे हैं। मीडिया के पन्नों को देखेंगे तो लगेगा कि दिल्ली में केजरीवाल की गिरफ्तारी, स्वाति मालीवाल का प्रसंग ही मुख्य मुद्दा है। लेकिन दिल्ली की गलियों में चुनाव कैसे लड़ा जा रहा है, लोगों की उम्मीदें, समस्याएं क्या हैं, जब दिल्ली में ही बात नहीं होती तो बाकी देश को लेकर क्या शिकायत करना, यह चुनाव फालतू के विषयों में बीत गया। अभिषेक शर्मा कह रहे हैं कि कांग्रेस वालों को स्वाति मालीवाल वाले इशू पर आम आदमी पार्टी को अटैक नहीं करना चाहिए क्योंकि ये इलेक्शंस का समय है। हाँ भाई, इलेक्शंस जो हैं एक लड़की की लाइफ से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, समझा करो। याद कीजिए कि जब केजरीवाल अरेस्ट हुए थे तो कैसे रवीश कुमार दिल्ली की जनता को गाली दे रहे थे कि वो सड़कों पर क्यों नहीं आए प्रोटेस्ट करने के लिए। खाली रास्ते बता रहे हैं कि जनता को होश नहीं आया है, धर्म के नशे में उसने अपने कानों में पत्थर ठूंस लिए। अरेस्ट के बाद भी केजरीवाल को सही बताते रहे रवीश जी। क्या यह अजीब नहीं है कि सिर्फ एक बयान के आधार पर एक राज्य के मुख्यमंत्री को उठाकर जेल में बंद कर दिया गया है। आफा बीबी भी केजरीवाल के अरेस्ट पर फूट फूट कर रोई थी, डेमोक्रेसी के लिए ब्लैक डे बता रही थी, #BlackLivesMatter। प्रोफेट दुग्गल मसीहा सल्लाहु मुर्ग मुसल्लम 1008 के वीडियोस के टाइटल्स देखिए, आधार एक्सपोज्ड, योगी एक्सपोज्ड, मोदी एक्सपोज्ड, रिपब्लिक एक्सपोज्ड, एक्सपोज्ड। लेकिन लिकर स्कैम पर, शीश महल का जो स्कैम था, मोहल्ला क्लिनिक पे जो एलिगेशन लगे हैं, इनके जो बार बार यू टर्न होते हैं, स्वाति मालीवाल वाले केस में, क्या ये प्रॉपर्ली सवाल पूछेंगे आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट से? जब अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हुए थे तो तुरंत उन्होंने एक वीडियो निकाल दिया था डिक्टेटरशिप के बारे में। स्वाति मालीवाल के साथ ये हादसा हुआ, इतना समय हो गया, अभी तक इस पर सवाल नहीं उठाया गया है। ये दूसरों को गोदी मीडिया बोलते हैं लेकिन ये आम आदमी पार्टी की गोदी में ऐसा बैठे हुए हैं कि बस आम आदमी पार्टी का दूध पीना ही रह गया। एक और इन्फ्लुएंसर आकाश बैनर्जी स्वाति मालीवाल को सपोर्ट करने के बजाय उन्हीं पर सवाल उठा रहे हैं। पॉलिटिक्स तो डेफिनेटली है इस पूरे मामले में। इलेक्शन से ठीक पहले ऐसा एक एक्टिविटी होता है, इसका कोई सर न पैर बैठता है। वो गई क्यों थी, मिलने क्यों गई थी, अपॉइंटमेंट अगर नहीं था तो क्या एक कॉन्फ्रंटेशन के लिए गई थी? तो इसमें पॉलिटिक्स जरूर है भाई। इनके हिसाब से पुलिस गलत है, स्वाति मालीवाल गलत है, स्वाति मालीवाल को जो चोटें लगी है वो सब गलत है, क्योंकि बंधन फिल्म की तरह केजरीवाल जैकी श्रॉफ है और ये सारी मीडिया जो है ये सल्लू सलमान है। जो जीजा जी बोलेंगे वो ये करेंगे, क्योंकि जीजा जी कभी गलत नहीं हो सकते। शॉर्ट में बोलूं तो ये है अनफॉर्चुनेट रियलिटी इस पार्टी की, इस पार्टी के स्टार लीडर अरविंद केजरीवाल की और उनकी दरबारी मीडिया की। ये पार्टी एक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है। ये करप्शन को खत्म करना चाहती थी, खुद ही एक करप्ट पार्टी बन गई। इनके लीडर करप्ट और घमंडी नेताओं का कल्चर खत्म करना चाहते थे, खुद ही एक करप्ट, घमंडी और डर्टी पॉलिटिक्स खेलने वाले नेता बन गए। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि ये सारे जो स्कैम्स हैं, ये सारे जो एलिगेशंस हैं, जो कंट्रोवर्सीज हैं, क्या 2024 ऐसा साल हो सकता है जिसमें आम आदमी पार्टी और केजरीवाल का पॉलिटिकल करियर समाप्त होने लगे? या आपको लगता है कि बाकी स्कैम्स की तरह भी इस स्कैम को भी ये झेल के आगे बढ़ते ही रहेंगे? आपको क्या लगता है नीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी हमारे पेट्रियन को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे और आप सबको सेक्युलर बना पार्टी। मैं नहीं, ये तो मैंने हमेशा मैंने कहा है स्वाति वाला चाहे कैसा भी होता मामला। कुछ यूट्यूबर से मैं बात करूंगा, यहाँ पर मैं तारीफ करूंगा गौरव ठाकुर भाई की भी। वो अगर अभी एनयू की जब उनको क्रिटिसाइज करना होता है बीजेपी गवर्नमेंट को, वो उनको करते हैं, ठीक है, आरजे रौनक को भी, ठीक है, भाई की वीडियोस भी। तो क्रिटिसाइज जब करना होता है गवर्नमेंट को भी करते हैं, क्रिटिसाइज जब करना होता है जिस पार्टी को उसको भी करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या लगता है, कुछ मीडिया और कुछ यूट्यूबर सिर्फ और सिर्फ मतलब कुछ भी हो जाएगा वो उनको नहीं बोलेंगे कभी भी, उनके बारे में कभी नहीं जिक्र किया जाएगा कि ये स्कैम हुआ तो इसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू रख दे। मतलब मेरे को ये लगता है कि आज तक की हिस्ट्री में उनसे कभी कुछ गलत हुआ ही नहीं है, जो एक वीडियो ही नहीं बनी। दूसरी बात, जो जिस तरीके से गवर्नमेंट, अगर मान लो बताया गया है पंजाब पुलिस को यूज कर रही है, मुझे एक चीज का ये बता दो, आप कुछ भी करो, मीडिया क्या होती है, यूट्यूबर क्या होता है, यूट्यूबर भी एक मीडिया ही हो गया, सोशल मीडिया हो गया, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं।
आप पे कोई जजमेंट तो नहीं पास कर देना सुप्रीम कोर्ट की। नहीं रुक जा, अब यहाँ पे आ जाते हैं डेमोक्रेसी वाली बात। एक यूट्यूबर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है, ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच थ्रेट नहीं कर रहा कुछ भी, ठीक है, उसको स्पेशली भेज के उसको भेज के रातों रात, ऐसा नहीं कि पहले कुछ रातों रात, ठीक है, तीन चार केस देख लिए हमने, यही वहाँ पे बंगाल में ममता बनर्जी वाला भी यही हुआ था, है ना, जब वही है ना ममता बनर्जी, फिर ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। यहाँ पे एक डेडिकेटेड चैनल है जो एंटी बीजेपी इतना कुछ बोलता है, इतना मतलब इतने खतरनाक टाइटल होते हैं, हर एक चीज होती है, कुछ भी नहीं हो रहा। तो मोदी जी ने कहा भी था, एक पॉडकास्ट था, एक न्यूज चैनल में इंटरव्यू में, कि सीरियसली डिक्टेटरशिप है। हाँ, ये तो हाँ, कि वो वीडियोस आज भी सब कुछ है। और फिर मैं लोगों के कमेंट पढ़ता हूँ ना कि ओनली एजुकेटेड पीपल वॉच दीज चैनल्स, तो मैंने कहा भैया फिर इतनी एजुकेशन ज्यादा ज्यादा ये नेक्स्ट लेवल की एजुकेशन है, जिसमें कि आपको समझ नहीं आ रही कि कौन कैसे आपको मैनिपुलेट कर रहा है। सीरियसली मैं बता रहा हूँ, अगर उस तरह की वीडियोस अगर बाकी यूट्यूबर्स बनाने लग जाए ना, वो भाई मुझे लगता है कि फिर तो जो जिनकी जहां पावर रही है तो बहुत ही ज्यादा उस तरीके से फिर चल पड़े। भाई इंसान हो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी देखा करो, दूसरे का देखा करो, और यूट्यूबर्स हैं, यूट्यूबर्स अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं। यही मतलब नहीं है कि बस आज तक एबीपी न्यूज इंडिया टीवी यही उस लेवल पर है कि वो ही कुछ कह सकते हैं। भैया एक आम इंसान अगर सोशल मीडिया पर आता पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए आया, अगर कोई वो यूट्यूबर है वो छोड़ दे, ठीक है, एक बंदे जब कोई वोट मांगने आता है तब भी तो आप यही बोलते हो नेता लोग आके कि हम आपके लिए ये करेंगे, अगर किसी बंदे ने पूछ लिया कि आपने ये बोला था ये नहीं करा तो उठा के फिर जेल में डाल दो, ये क्या है, मतलब वोट मांगने के टाइम पे तो ओहो जनता ये जन, फिर वही जनता कुछ शिकायत करे तो फिर इतनी दिक्कत हो जाती है कि रातों रात उसे उठवा दो। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच डेमोक्रेसी है, वाह भैया एक यूट्यूबर की बात से हो गया, ये तो बहुत ही मतलब सीधा सीधे वो वाली आ गई कि भैया ये तो वाली चीज हो गई, नहीं नहीं मैं तो ऐसे हो जाऊंगा, मुझे तो जो लिख के दे देंगे मैं तो वो बोलूंगा। और बाकी देखो इल्जाम लगे हैं तो जब प्रूव हो जाएंगे तब उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन इल्जाम लग रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो होती है, ऐसी तो है नहीं कि सुप्रीम कोर्ट भी वो बिल्कुल ही खारिज कर दे रही है या फिर ईडी ने कुछ नहीं कहा, तो कुछ ना कुछ झोल है तो वो सामने आया है, धीरे धीरे आगे भी पता लगेगा, ठीक है। और मतलब मुझे बहुत मतलब कि मैं डिसगस्टिंग वर्ड यूज करूंगा, डिसगस्टिंग ही कह दूंगा मैं, कि जिस तरीके जब पूछा गया तो उन्होंने स्वाति मालवीय के ऊपर बोला नहीं, माइक इधर कर दिया, और अखिलेश यादव ने बोला इससे ऊपर ऊपर मुद्दे भी है, वाह भैया वाह। वैसे तो सबसे पहले आता है कि वुमेन सेफ्टी से ऊपर कुछ नहीं है, और फिर कुछ बात आता है आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो रख दोगे उसके ऊपर, की जी इतना भी बोल देना आदमी जी इसमें जांच चल रही है, सच्चाई जो होगी आगे सामने आएगी। मुझे वो पता है क्या लगा कि उनके जिसके घर में हुआ है, जिसकी पार्टी के उसके मतलब जो फीमेल जिसके साथ हुआ है और उसी के लीडर वही माइक दूसरे, जैसे कि ये तो मेरा मामला ही नहीं है, मैं तो बिल्कुल आउट हूँ इस मैटर से। भैया पता ना क्या है फ्रीडम ऑफ स्पीच, पता ना कहाँ जाता है, तो मेरे घर में कुछ मैटर हो, मेरे से कोई क्वेश्चन करे मैं ऐसे कह दूँ पड़ोस से बुला के ले जरा किसी को, भैया नहीं बोलना तो ठीक है पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, बाय टेक केयर।